जय जगन्नाथ। आप लोग को डुग्गू एंड गुड्डू चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो में स्वामी विवेकानंद रॉक, त्रिवल्लु स्टैचू और साथ में माँ भगवती अम्मन मंदिर कवर करेंगे। हमारे प्लान के अनुसार हम सुबह सुबह अपने घर से 5 बजे निकल पड़े और 5:30 बजे तक कन्याकुमारी पहुँच गए। हमने सबसे पहले माँ भगवती अम्मन मंदिर का दर्शन करना ठीक समझा और हम निकल पड़े माँ भगवती अम्मन के दर्शन के लिए। माँ भगवती अम्मन मंदिर या माँ भगवती अम्मन कोविल, यह तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित है। कन्याकुमारी दक्षिण भारत के महान शासकों चोल, चेर, पांड्य के अधीन रहा है। यहाँ के स्मारकों पर इन शासकों की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। यह स्थान एक खाड़ी, एक सागर, एक महासागर का मिलन बिंदु है। अपार जलराशि से घिरे इस स्थल के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है। यहाँ आकर हर व्यक्ति को प्रकृति के अनंत स्वरूप का दर्शन होता है। त्रिवेणी संगम की इस दिव्य भूमि पर माँ भगवती देवी कन्याकुमारी के रूप में विद्यमान है। माँ भगवती अम्मन मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक मंदिर है। मंदिर का इतिहास 3000 वर्षों से अधिक है और यह एक पत्थर के मजबूत दीवारों से घिरा हुआ है। मंदिर परिसर के भीतर अन्य मंदिर हैं जो भगवान सूर्यदेव, भगवान गणेश, भगवान अयप्पा, देवी बाल सुंदरी और देवी विजय सुंदरी को समर्पित हैं। मंदिर में मुख्य प्रवेश उत्तर द्वार से होकर जाता है। मंदिर का पूर्वी द्वार ज्यादातर बंद है और केवल विशेष अवसरों पर ही खुलता है। यह मंदिर तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है। कन्याकुमारी स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी और कन्याकुमारी बस स्टैंड से भी तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। माँ भगवती अम्मन के दर्शन के बाद हम निकल पड़े कन्याकुमारी का सुंदर सूर्य उदय देखने के लिए। यहाँ का सूर्य उदय बहुत ही मनमोहक है और इसे बस देखते ही रहने को मन करता है।
सूर्योदय का विहंगम दृश्य देखने के बाद हम तैयार हो गए विवेकानंद रॉक मेमोरियल देखने के लिए। सन 1892 में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी आए थे। एक दिन वे तैर कर इस विशाल शिला पर पहुंच गए। इस निर्जन स्थान पर साधना के बाद उन्हें जीवन का लक्ष्य और लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। विवेकानंद के इस अनुभव का लाभ पूरे विश्व को प्राप्त हुआ, क्योंकि इसके कुछ समय बाद ही वे शिकागो सम्मेलन में भाग लेने गए थे। इस सम्मेलन में भाग लेकर उन्होंने भारत का नाम ऊंचा किया था। स्वामी विवेकानंद के अमर संदेशों को साकार रूप देने के लिए ही 1970 में उस विशाल शिला पर एक भव्य स्मृति भवन का निर्माण किया गया। समुद्र की लहरों से घिरा इस शिला तक पहुंचना भी एक अलग अनुभव है। स्मारक भवन का मुख्य द्वार अत्यंत सुंदर है। इसका वास्तुशिल्प अजंता एलोरा की गुफाओं के प्रस्तर शिल्पों से लिया गया है। लाल रंग के पत्थरों से निर्मित स्मारक पर 70 फुट ऊंचा गुंबद है। भवन के अंदर 4 फुट से ऊंचे प्लेटफॉर्म पर परिवारजक संत विवेकानंद की प्रभावशाली मूर्ति है। यह मूर्ति कांसे की बनी है, जिसकी ऊंचाई 8.5 फुट है। यह मूर्ति इतनी प्रभावशाली है कि इसमें स्वामी जी का व्यक्तित्व एकदम सजीव प्रतीत होता है। थिरुवल्लूर की प्रतिमा कन्याकुमारी के सबसे महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थानों में से एक है। इसका आधारशिला 38 फीट है और इसकी ऊंचाई 95 फीट है। थिरुवल्लूर की प्रतिमा की आधारशिला 1979 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मुरारजी देसाई ने रखी थी। हालांकि इसका निर्माण कार्य 6 सितंबर 1990 को शुरू हुआ और 1 जनवरी 2000 को बनकर तैयार हुई। आइए आप लोग हमारे साथ मिलकर के इस ट्रिप का आनंद लें। प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। योर कमेंट एंड सब्सक्रिप्शन मैटर्स अ लॉट। आपका सब्सक्रिप्शन और आपका कमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है। कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। धन्यवाद।
Thank you.
We'll be right back.